चलिए आगे बढ़ते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करते हैं। मतदान में चंद घंटे ही बचे हैं। अमेरिका की जनता आज तय कर देगी कि उसका अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अमेरिका के 19 करोड़ मतदाता नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। 7 करोड़ से अधिक मतदाता पहले ही मतदान कर चुके हैं। मुकाबला कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है। निगाहें सबकी इन्हीं पर टिकी हैं कि इस बार के चुनाव में 7 स्विंग राज्यों पर क्या सामने आएगा। इन राज्यों में जिसने जीत दर्ज की वही राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचेगा, व्हाइट हाउस तक पहुंचेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे शाम को शुरू हो जाएगी। बुधवार को सुबह 10:30 पर यह वोटिंग खत्म होगी, जिसके बाद बुधवार दोपहर 2:30 बजे तक एग्जिट पोल आएंगे। जबकि नतीजों की अगर आप बात करें तो गुरुवार भारतीय समय के मुताबिक 5:30 से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जीत के लिए अमेरिका की आप बात करें तो 538 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं, जिनमें कुल वोट हैं, जबकि जीत के लिए आपको 538 में से 270 वोट चाहिए होते हैं। तो चलिए अमेरिकी चुनाव की बड़ी बातें वो आपके सामने रखते हैं। अमेरिका के अगर आप देखें कुल कितने मतदाता हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, तो 19 करोड़ मतदाता हैं जो नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ये है पूरी स्ट्रेंथ, जहां पर जीत के लिए नहीं, वहां पे टोटल इलेक्टोरल 538 वोट्स होते हैं और जीत के लिए 270 वोट चाहिए होते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, 270 वोट के लिए ट्राई करते हैं। 7 स्विंग स्टेट हैं, ये नतीजे वही स्विंग स्टेट के तय करते हैं कि व्हाइट हाउस तक कौन पहुंचेगा, कौन होगा अगला राष्ट्रपति। 7 स्विंग स्टेट काफी डिसाइड करने वाले एलिमेंट की तरह देखे जाते हैं। 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स होते हैं, मताधिकार का इस्तेमाल जो कर चुके हैं, और इस तरीके के सिस्टम में अब बाकी बचे वोटर्स को डिसाइड करना है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली कमला हैरिस पहली महिला हैं, ये भी एक बड़ा पॉइंट है अगर आप इस बार के इलेक्शन को देखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है कमला हैरिस में और डोनाल्ड ट्रंप में। आने वाले 4 सालों के लिए अमेरिका और विश्व की दिशा तय होने की घड़ी आ गई है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए आज मतदान शुरू हो जाएगा, जिसके बाद तय हो जाएगा कि अगला अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा। इस समय हम वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के ठीक सामने हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर व्हाइट हाउस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देख सकते हैं कि इस तरह के मेटल बैरिकेड्स यहां लगाए गए हैं। इस इलाके में परेड्स भी होती हैं और विरोध प्रदर्शन भी, और भीड़ के बेकाबू होने का खतरा बरकरार रहता है। यहां पर खास हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगाए गए हैं फेशियल रिकॉग्निशन की सुविधा के साथ, ताकि पुलिस ये देख सके कि किस तरह के लोग यहां पर आ जा रहे हैं। एंट्री पॉइंट्स के लिए मेटल डिटेक्टर्स भी हैं, सिर्फ हाई लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस को यहां पर आने की अनुमति है। इस तरह व्हाइट हाउस के ठीक सामने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। ये कंस्ट्रक्शन उस समय के लिए है जब जनवरी में नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे और इनॉग्रेशन के बाद यहां पर परेड होगी। परेड को देखने के लिए लोगों के लिए खास व्यूइंग स्टैंड बनाया गया है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा खतरा है चुनाव के दिन का। शहर भर में अलग अलग पुलिसकर्मी तैनात हैं, सीक्रेट सर्विस साथ में मेट्रो पुलिस और कैपिटल पुलिस मिलकर सुरक्षा के इंतजाम देख रही है। अलग अलग राज्यों से सैकड़ों पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं। इसके अलावा नेशनल गार्ड को स्टैंडबाय पर भी रखा गया है। फिलहाल देश भर में वोटिंग की प्रक्रिया जोरों पर है और नतीजों का बेसब्री से इंतजार। जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे, वैसे वैसे इस इलाके में लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच नतीजों को मॉनिटर किया जाएगा। वॉशिंगटन डीसी से कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ मधु भाटिया झा, एबीपी न्यूज। और इसी के साथ जान लीजिए, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कमला हैरिस को सबसे अक्षम उपराष्ट्रपति और जो बाइडेन को अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया है। उन्होंने दावा किया कि वो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को रोक सकते हैं। तो कमला हैरिस के ऊपर टिप्पणी, जो बाइडेन के ऊपर टिप्पणी, आपको बताएं कि लास्ट मोमेंट तक अमेरिका में कैंपेन चलता है और ऐसे में तीखी टिप्पणी का दौर चलता रहेगा। आज के हाईलाइट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कमला हैरिस को इतिहास और जो बाइडेन का इतिहास को इतिहास का सबसे बुरा राष्ट्रपति
मिडिल ईस्ट का जिक्र किया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध यानी साफ तौर पे गजा में चल रहे युद्ध का जिक्र करते हैं, उसे रुकवाएंगे अगर वो जीतते हैं, ये वादा भी किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अहम राज्यों की एक लिस्ट है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अगर आप देखें सबसे अहम राज्य, जैसे हमारे देश में भी है और अमेरिका को भी आप देखें, तो किस तरीके से इलेक्टोरल वोट्स का सिस्टम है। राज्य की बात करें कहां सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट है, कैलिफोर्निया 54 और टेक्सस में 40 इलेक्टोरल वोट आते हैं। फ्लोरिडा की आप बात करें तो 30 इलेक्टोरल वोट हैं, न्यूयॉर्क में 28 हैं, पेंसिल्वेनिया में 19 और इलिनॉय में भी 19 इलेक्टोरल वोट हैं। तो वहां पर भी अगर आप देखें कुल जीत के लिए जितने इलेक्टोरल वोट चाहिए, तो इन राज्यों पर खास नजर रहती है क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम इलेक्टोरल वोट्स आते हैं। कुल इस तरीके के स्ट्रक्चर में आप अगर देखें तो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वहां के उम्मीदवार भी ज्यादा नजर बनाए रखते होंगे, कैलिफोर्निया जिसमें सबसे पहले सामने आता है। तो एक और जहां रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बार फिर से वापसी की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला के साथ साथ भारतीय मूल नागरिक के तौर पर महिला के तौर पर राष्ट्रपति बनने का इतिहास बना सकती हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से पहले कैपिटल हिल और आसपास की अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या अमेरिका को मिलेगी अपनी पहली महिला राष्ट्रपति या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस जीतेंगे? ये वही कैपिटल हिल है जहां जनवरी में औपचारिक रूप से अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चयन होता है। सांसद इस कैपिटल हिल बिल्डिंग में इकट्ठा होते हैं और पूरी तरह से गिनती की जाती है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की, जिसे सर्टिफिकेशन कहा जाता है। आशंका ये है कि अगर नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आते हैं तो उनके समर्थक क्या करेंगे। इन्हीं कैपिटल हिल ग्राउंड्स में पिछले चुनाव के बाद जो हिंसा भड़की थी उसकी यादें अब भी ताज़ा हैं। वो भयानक मंजर आम अमेरिकी अब तक नहीं भूला है और इसीलिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इस पूरे इलाके की सुरक्षा की कड़ी जिम्मेदारी उठाई है। हालांकि सर्टिफिकेशन जनवरी में होता है, लेकिन चुनाव के दिन जिस तरह से लोगों की भावनाएं और तनाव बढ़ा हुआ होता है उसके मद्देनज़र इस पूरे इलाके की सुरक्षा को कड़ी करना अहम हो जाता है। तो इस कैपिटल हिल ग्राउंड्स में क्या कमला हैरिस का नाम गूंजेगा या फिर ये वोटों की गिनती डोनाल्ड ट्रंप के नाम जाएगी, ये शाम को जब चुनाव के नतीजे आने शुरू होंगे उसके बाद साफ होगा। कैपिटल हिल ग्राउंड से कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ मधु भाटिया झा, एबीपी न्यूज़। तो देखिए, आप कुल 19 करोड़ वोटर्स तो हैं, लेकिन 19 करोड़ का डिवीजन भी है। किस तरीके से बटे हैं वहां के वोटर्स, जरा उस पर भी नजर डालते हैं किन किन समुदायों से ये वोटर आते हैं। देखिए, लैटिनो वोटर्स की अगर आप बात करें तो इनकी संख्या 15% है, ये कुल वोटर्स में से 15% शेयर रखते हैं अगर लैटिनो वोटर्स का आप जिक्र करें। और अश्वेत जो वोटर हैं उनकी 14% के करीब है और एशियाई वोटर्स 6.1% है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ें, भारतीय मूल के वोटर वो हैं 1.15%, ये है भारतीय मूल के वोटर्स की स्ट्रेंथ। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि अलग अलग समुदाय से आकर के लोग जो वहां पर हैं और जिनके पास वोटिंग पावर है उनकी फीसदी, उनकी तादाद कितनी है। आज अमेरिका ये तय करने जा रहा है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप चाहिए या कमला हैरिस, और कल अमेरिका बताएगा कि उसकी पहली पसंद, पहली चॉइस है क्या?